स्वागत है आपका मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के सृजन विहार आवासीय परिसर में। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड यह NTPC लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस संयुक्त उद्यम का गठन 2008 में राज्य के प्रयागराज जिले से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मेजा में हुआ। मेजा ऊर्जा निगम प्लांट में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो ये देखिए कितने ही खूबसूरत पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। फूलों की महक बहुत ही सुगंधित यहाँ रहती है। बहुत सारे वृक्षारोपण भी यहाँ पे किए हुए हैं। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हैं तो हमें भारतीय स्टेट बैंक बहुत ही सुंदर और पेड़ पौधों से घिरा हुआ नज़र आता है। मेजा का अतिथि घर जो कल्पतरु भवन के नाम से है, यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता का एक छोटा सा नमूना देखने को मिलता है। यहाँ पे लगी शिव की प्रतिमा अपनी ओर सभी को आकर्षित करती है। भगवान शिव सौम्य आकृति और रुद्र रूप देने के लिए विख्यात है। इनकी मूर्ति से यहाँ पे मानो जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा खत्म ही हो जाती है। यहाँ पे बने रास्ते पे चलना और लकड़ी से बनी झोपड़ी में बैठना और यहाँ के नज़ारों को देखने का अद्भुत ही अनुभव होता है। सी क्वार्टर के पास बना यह पार्क शाम के समय यहाँ पे आसपास के बच्चों के खेलने का मुख्य स्थान है। अमृत महोत्सव पार्क एवं उसी के साथ ही चंद्रशेखर आजाद परेड ग्राउंड, छात्रावास में रहने वाले कर्मचारी अपने खेल कूद जैसे कि फुटबॉल इत्यादि के लिए इसी पार्क में आते हैं। सरस्वती भवन एवं गंगा भवन के बीच बना यह पार्क वहाँ पे रहने वाले छात्रावास के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र है। यहाँ पे ओपन जिम बना हुआ है जहाँ आके वह अपने जिम को कर। सालगिरह पार्क जहाँ पे विभिन्न विभिन्न कर्मचारियों द्वारा उनकी सालगिरह पे पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं। ए एवं बी क्वार्टर को जाती हुई रोड और वहीं पे स्थित पार्क, यह पार्क मंदिर के ठीक सामने है। यह पार्क अपने झूले और अपनी सुंदरता के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र बना है यहाँ पे। मेजा आवासीय परिसर का खूबसूरत मंदिर जहाँ यहाँ के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी क्लब यहाँ के स्पोर्ट्स का मुख्य केंद्र है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न स्पोर्ट्स हैं। यहाँ का पार्क भी और यहाँ के खूबसूरत फूल इस क्लब को और भी खूबसूरत बनाते हैं। D2 क्वार्टर से D1 क्वार्टर की तरफ जाता हुआ रास्ता दोनों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है। बरसात में होती हुई बारिश यहाँ के नज़ारे को और भी सुंदर बना देती है। ज्योति किरण बन कर हम छाए, शक्ति निगम बन कर हम आए। यहाँ का दृष्टिकोण अद्भुत सोच का नमूना है। प्रकृति हमारे जीवन में अपना बहुत प्रभाव डालती है। प्रकृति के नज़ारे कितने सुंदर व अद्भुत होते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा देखने योग्य कोई चीज है तो वह है प्रकृति। यहाँ के खामोश माहौल में बैठकर हवा की सरगोशियों को सुनना आपको सिर्फ आपके साथ होने का अनुभव कराता है। सभी आवास परिसर से दूर बी क्वार्टर के पीछे का यह स्थान छोटी छोटी पहाड़ियों की चट्टानों से घिरा हुआ है और इससे गुजरता हुआ रास्ता ऐसा अनुभव कराता है मानो आप किसी जंगल में गुजर रहे हो। सुंदर पेड़ पौधे, मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवाएं, सूर्य का प्रकाश, चांद की चांदनी, तारों से भरा आसमान, सब प्रकृति की ही तो देन है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन अद्भुत है। मोर यहाँ का विशेष आकर्षण है। यहाँ की हरियाली, ताजगी, काम, प्रकृति में जो खुशबू है मानो जैसी सांसों में बस जाती है। धन्यवाद।